श्रीकाल, माय नेम इज़ पूजा ब्रह्मवर्ट, आई एम फ्रॉम सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। तो मैं अपनी जर्नी बारे दसना चाहवागी कि मैं सब कुछ मतलब मैं थिएटर स्टार्ट किया इतों चंडीगढ़ तो अनीता शब्दीश मैम नाल। दैन मैं थोड़ा जा गैप लिता बिचों, फिर मैं मुंबई गई, उत्थे जाके मैं असिस्ट किया एक साल, फिल्म की, सीरियल किया, एडवरटीजमेंट असिस्ट की। फिर उस तो बाद वापस आके मैं एक फिल्म कर रही हूँ नुसरत जहां ए सेकेंड लीड। तो मैं एक तेलुगू सॉन्ग भी किया है, तो एक तेलुगू फिल्म की भी गल चल रही है। तो उस तो बाद हजे रीसेंटली मैं एक पेजेंट पर जाके आई हाँ, डायडम मिस इंडिया 2020। तो उत्थे मैं दो टाइटल्स जीते ने, डायडम मिस इंडिया 2020 मोस्ट फोटोजेनिक एंड डायडम मिस इंडिया 2020 बॉडी ब्यूटिफुल। शुरुआत किमें हुई, सोचा सी कि मैं एक्टिंग च जाना है? तो मैंने मतलब मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, मैं नेशनल बेसबॉल और सॉफ्टबॉल प्लेयर रह चुकी हूँ और स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हूँ। तो मतलब मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी कभी, कि एक होता है ना कि यार ये चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। तो जब मैं कॉलेज गई, मैंने वहाँ पे यूथ फेस्ट स्टार्ट किया, तो जब मैं स्टेज पे गई ना, तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल था ना वो नेक्स्ट लेवल था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये है जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ। तो बस वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हो गई है। गेम्स छोड़ दी, नेशनल लेवल के लिए कभी जाने की सोचा नहीं? मतलब नेशनल लेवल पे मैं गई, मैंने बेसबॉल और सॉफ्टबॉल मैंने दोनों नेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया, स्कूल नेशनल भी गई। बट फिर उसके बाद मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कॉलेज में आके मैंने यूथ कॉलेज लेवल पे भी मैंने ना खेला, बेसबॉल खेला, बॉल बैडमिंटन खेला, बैडमिंटन खेला कॉलेज इंटर कॉलेज में। बट फिर एक वो होता है ना कि ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे कहाँ मिल रही थी, वो मुझे एक्टिंग करके मिल रही थी, स्टेज पर आके मिल रही थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए अगर कुछ करना है। तो फिर मैंने फिर सब कुछ छोड़ के एक्टिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट पंजाबी, बिकॉज मैं भी यहीं पे हूँ अगले 2-3 महीने के लिए चंडीगढ़ में, तो पंजाबी ही है नेक्स्ट। तो वो मैं जल्दी बताऊँगी क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट पंजाबी चीज़ आ रही है जल्दी आपके इंडस्ट्री बारे। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि कुछ उत्ते गैग ने जो इंडस्ट्री को अपडेट कर देंगे, खासकर जो कलर अरनौत की गल आई है, तो जैसे सलमान खान की गल आती है ना, जो लड़के की डैथ हुई थी जो तिहार का रहने वाला, सो इदा तुम उत्तर रह के आए, तुम कि फील हो रहा, की लग रहा है? देखो मतलब हर चीज़ अलग होंगी है, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी उस चीज़ से, बिकॉज मैं इदा लगता है कि टैलेंट की ना हर पास से कदर होंगी है। मतलब अगर मेरे को लगता है कि मेरे में कुछ है और मेरा टैलेंट है, वो निकल के आता है। अगर कंगना आज बोल रही है, कहीं ना कहीं पहुँची है ना, उसके पास आवाज़ है, बोल रही है, ऐसा तो नहीं है ना वो कहीं पहुँची नहीं है। सुशांत भी कहीं पहुँच गया था ना, बहुत उसने मेहनत करी है, तो लोग अब एक लेवल पे पहुँच के बोल रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं सुनता। तो दोनों वो उसी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं ना, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, पंजाबी इंडस्ट्री का जो गोल्डन टाइम चल रहा, जी मूवी की उस तो बाद भावे गैप रहे हो, तो मतलब किमें लग रहा है कि पंजाबी इंडस्ट्री वधिया ग्रो कर रही है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इस टाइम सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही है, बिकॉज मुंबई से लगा कोई शूट नहीं हो रहे, लोग यहीं पे आ रहे हैं सारे शूट करने के लिए, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। इस टाइम हमारी इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, और ये बहुत प्राउड की बात भी है हमारे लिए कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस टाइम मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी है। तो कहेंगे पंजाबी गाने के पूरी तरह हथियार नशा कर दी, तो कुछ नहीं कहता। सो कोई शिकायत जो इदा का प्रमोट भी कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी गाइडलाइनस, इसके बावजूद पंजाब सरकार की पुलिस डिपार्टमेंट वालों लगातार लोगों से परचे दर्ज किए जा रहे हैं, कुछ एक दो गिरफ़्तार भी किया गया, तुम इस चीज़ में एप्रीशिएट करते हो कि सही फैसला? हाँ जी, फैसला सही है, बिकॉज यूथ ना हमारा गाने बहुत सुनता है, और छोटे छोटे बच्चे पंजाबी गाने सुनते हैं, तो बंदा वहीं से सीखता है। तो हमें एटलीस्ट वो एक गाइडलाइन, एक लाइन होनी चाहिए, वो लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पंजाबी चीज़ों का हमेशा सब पे ज़्यादा असर रहता है, चाहे वो गाने हो, फिल्म हो, सीरियल्स हो, कुछ भी हो, क्योंकि एक पंजाबी जब बोलता है हर चीज़ में सब उसकी सुनते हैं, तो हर चीज़ में मुझे लगता है पंजाबी ज़्यादा प्रभाव देती है। तेलुगु सच्ची बोला मैं नहीं आती बोलनी, डब कर लेंगे साडा, वो सानू ना कुछ एवं बोल देंगे कि ए बी सी डी ए का सिचुएशन समझा देंगे ने कि ए सिचुएशन है, तो बस ओदा हो जाता है। हजे नहीं सीखे, हजे सीखांगी, पर पहले दिन मैं गई मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा सी, पर धीरे धीरे ना वो समझ आने लगी लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज एक्सप्रेशन ही होती है। मतलब जैसे मैं महाराष्ट्र में मुंबई में रहती हूँ, मराठी समझ आती है मुझे सारी, बिकॉज एक्सप्रेशन ही है लैंग्वेज। मॉडलिंग में जीता है राइट?
तो इसको कितना आप फॉलो करने वाली हैं या फिर सीरियल्स फिल्म्स में ही जाना है? देखो जहाँ काम मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगी, वैसा है, मतलब मैं हर जगह मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस ऑफ कोर्स एक्टिंग है मेरी पहली प्रेफरेंस, बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, तो थिएटर पे आना मुझे पसंद है, तो पहली प्रेफरेंस मेरी एक्टिंग है।